वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम दोस्तों द ट्रायल नाम का एक नया वेब सीरीज देखा मैंने हॉटस्टार पर काजोल का सीरीज है दोस्तों लेट मी टेल यू एक्सेलेंट काजोल बट वेरी एवरेज सीरीज यार बहुत ही ठंडा सीरीज निकला इसमें सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो इस सीरीज के कोर्टरूम सीन्स में हुआ यार कोर्टरूम सीन्स में वेर वेरी वेरी ठंडा यार बिल्कुल मजा था ही नहीं आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एक कोटरूम सीन से आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें थ्रिल हो टेंशन हो एक्साइटमेंट हो ये तीनों चीजें कन्वीनियंटली मिसिंग था कोटरूम सीन से यार बेसिकली मुझे लगा यार आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बंदा लाइक इम्पैक्ट जो बंदा फिल्म में जो कोटरूम सीन्स था और उसमें जो मतलब जिस तरह से वो डायलॉग्स लिखा गया था जो सीन्स को लिखा गया था वो लीगल पॉइंट्स जिस तरह से यू नो इंक्लूड किया गया था वो सब जिस तरह से दिखाया बंदा फिल्म में वो बहुत ही इंपैक्टफुल बहुत ही इफेक्टिव था एंड व्हाई व्हाई जस्ट बंदा फिल्म इवन अ फिल्म लाइक पिंक यू नो ऑल फिल्म्स हैव लेजेंडरी कोर्टरूम सीन्स इन इट यार तो वो एक इंपैक्टफुल कोर्टरूम सीन मैंने द ट्रायल में मिस किया जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि कोर्टरूम वाला ही तो है ये सीरीज यार तो यार आप, हर एक एपिसोड में आपको एक नया ट्रायल नया नया केस नया कोर्टरूम सीन देखने का मौका मिलता है लेकिन कोई भी कोई भी सीन यार एंगेजिंग उतना ज्यादा एंगेजिंग नहीं लगा ठंडा लगा एवरेज लगा यार मुझे एटलीस्ट लगा जो जर्नलिस्ट वाला जो एक डेफेमेशन केस था जो सातवें एपिसोड में चलता है वो देख के मजा आएगा लेकिन यार वो भी देख के मजा नहीं आया वो भी एकदम ठंडा निकला यार द राइटिंग द लीगल राइटिंग कुड हैव बीन एंड शुड हैव बीन बेटर इज आई थॉट

एंड काजोल लाइक आई सेड वॉज एक्सिलेंट काजोल का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों लॉयर लॉयर वाला परफॉर्मेंस वाइफ का परफॉर्मेंस मदर का परफॉर्मेंस शी एक्सेल्ड इन ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स एज द लॉयर एज द वाइफ एज द हजब एज द हजब भूल रहा हूं एज द मदर बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस काजोल ने दिया स्पेशली उनका जो सीन्स था विथ हर डॉटर्स उसमें श्रुति बिष्ट के साथ जो सीन्स था बहुत daughter, well. दोस्तों इसके अलावा बाकी लोग मुझे ठीक ठाक ही लगे शिबा चड्डा जी है शिबा चड्डा जी का रोल देख के ना मुझे सूट्स का जसिका याद आया सी द जसिका का इंस्पिरेशन लगा इनके रोल में शिबा चड्डा के रोल में वही था ठीक ठाक था ओके बाकी ज्यादा कुछ था नहीं दोस्तों लाइक आई सेड द कोटरूम सीन्स शुड हैव बीन कुड हैव बीन एंड मस्ट हैव बीन मच मोर एंगेजिंग वो एक एंगेजमेंट वो एक थ्रिल वो एक एक्साइटमेंट मैंने मिस किया बाकी काजोल के परफॉर्मेंस के लिए आप जरूर देख सक, देख सकते हो बट स्टोरी राइटिंग मुझे एवरेज लगा आई एम गोइंग विद टू स्टार्स फॉर काजोल्स परफॉर्मेंस ओनली फॉर काजोल्स परफॉर्मेंस आई विल रेट काजोल्स टेक लिखकर बताना टोटल अगर आप लोग देखोगे तो नो आपको कैसे लगा ये सीरीज एंड काजोल का परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली कैसे लगा लिखकर बताइए एंड एक और चीज कहना चाहता हूं मैं टाटा बोलने से पहले काजोल शुड फोकस ऑन फिल्म वेब सीरीज में क्या होता है ऐसा ठंडा वेब सीरीज जब निकलता है उसमें उनके परफॉर्मेंस के बल पर हम देख सकते हैं थोड़े टाइम तक लेकिन फिर जब स्टोरी वीक पड़ता है कोल्ड पड़ता है एवरेज पड़ता है तो बोरिंग लगने लगता है सो शी शुड ऑप्ट फॉर फिल्म सुन ली एनीवेज लेट मी नो योर टेक दोस्तों चलिए फॉर द मोमेंट टाटा दोस्तों एक चीज मैं बताने भूल गया ये द गुड वाइफ नाम के अमेरिकन सीरीज का रीमेक है द ट्रायल अब क्यों रीमेक करते हैं यार हम एंड दैट टू इफ यू यू आर आर कास्टिंग अ पावर हाउस एक्ट्रेस लाइक काजोल काजोल जी को ओरिजिनल सीरीज में कास्ट कीजिए ना इतनी टैलेंटेड ब्रिलियंट एक्ट्रेस है हम उनको ओरिजिनल सीरीज में देखना पसंद करेंगे एंड क्या इतना द गुड वाइफ में पसंद आया इतना गुड क्या लगा द गुड वाइफ में कि लोगों ने सोचा कि चलो हम रीमेक करते हैं इसको हिंदी में यार नहीं चाहिए यार ऐसा सब रीमेक्स एनी दोस्तों आपका टेक लिखा कर बताइए चलिए फॉर द मोमेंट टाटा